आपने जो जो आपने क्वेश्चन किया हाई हेड करेज, मैं पर्सनली इसको गलत मानता हूँ, क्योंकि इससे आपके घोड़े की परफॉर्मेंस घट जाती है। क्योंकि जब घोड़े का हेड करेज ज़्यादा ऊपर होगा तो इसकी जो टॉप लाइन है वो शॉर्ट हो जाएगी, और इसकी जो लेंथ है स्ट्राइड की वो शॉर्ट हो जाएगी, ट्रॉट शॉर्ट हो जाएगी, तो वो कैसे परफॉर्म कर सकता है, वो कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जैसे मुर्गा होता है, मुर्गे का हेड करेज बहुत अप होता है, पर उसको आप ट्रॉट करते हुए देखना कि वो बहुत छोटी ट्रॉट से चलता है, वॉक उसकी टिक टिक ऐसे चलता है। तो हम हमारे घोड़ों को ना मुर्गा बना रहे हैं, तो ऊपर से रेन खींचते हैं बैठ के, ऐसे नीचे से झटका दे रहे हैं घोड़ों को कि वो ऊपर गर्दन करे, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आप जो नेचुरल है उस घोड़े को वैसा रहने दें, वो हाई हेड करेज जब उसको करना होगा जितना करना होगा वो कर लेगा, एक ये सबसे बड़ी बात। दूसरा, घोड़ा आप जैसे लोमड़ी को देखा है, लोमड़ी जब वॉक करती है, ट्रॉट करती है, तो कितना स्मूथ ये चलती है, उसका पूरा ये जाता है, सेम घोड़े का है। आप लॉयन को वॉक करते हुए देखना, फुल स्ट्रेच परफॉर्मेंस तभी आएगी। हम लोगों ने घोड़े को ये बना दिया, ये गलत है। और मैंने भी ये सीनियर से सीखा है, और जो मेरे जूनियर्स हैं उनको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज़ पे फोकस ना करें कि बहुत ऊंची गर्दन का घोड़ा है तो वो अच्छा है, नहीं, वो कितना फ्लेक्सिबल है, वो यहाँ से कितना फ्लेक्सिबल है, उसकी टॉप लाइन कितनी अच्छी है, उसकी मसल्स कितनी रिलैक्स हैं, यहाँ से वो घोड़ा परफॉर्म करेगा। थैंक यू वेरी मच।